हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी, और आज हमारे साथ हैं सीएलसी के मजबूत स्तंभ रणवीर सर। हम लोग नॉमन प्रेचर करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसके इर्द गिर्द कुछ बातें करेंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन से बात चलती है। लीजिए सर, पहले क्वेश्चन से बात चलती है, करेक्ट आईयूपीएसी नाम, ठीक है सर? जी सर। पहला है ईथर, तो इसमें ईथर का कॉन्सेप्ट ये है नंबरिंग के, अगर जो ओ, ये तो आपका हो गया ईथर, ठीक है? इसके अगल बगल देखना है जो छोटा ग्रुप है उसको तो लिखते हैं अपने एल्कोक्सी, और बड़े वाले को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी है उसको लिख देंगे। जी सर। तो ओ है यहाँ पे सर, तो यहाँ सी एस थ्री, ये छोटा है। जी सर। और इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, ठीक है? जी सर। कलर चेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3, तो 2 पे क्या लगा है ये सर? सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? मिथॉक्सी। और आगे क्या हुआ? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मतलब ये हमारा सही है। सही है सर। ठीक है सर। जी सर। अब यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो पैसेज देखोगे आप, जो चार्ट बनी है ईथर की, उसमें सबसे लास्ट एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है सर। तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे रणवीर सर, जरा बताइए। मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेस नंबर देंगे सर। बिल्कुल सही बात। ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और यहाँ पे सिंगल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिलेगा? लेस नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 पे तो क्या लगा है? इथॉक्सी, तो अल्फाबेटिकल तो हमें लेना ये। जी सर। तो 2-ethoxy-1,1-dimethylcyclohexane, जी सर, ये भी बात सही हो। जी सर। ठीक, यहाँ सर, ये सर अल्कोहल है तो मेन फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप है, तो अपन पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए सर, 1, 2, 3, बिल्कुल सही, 2-methyl-propane-2-ol। जी सर, बिल्कुल सही है। जी सर, तो ये भी हो गया, तीनों सही है हमारे, तो आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा सर। बिल्कुल। नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। द आईपीसी नेम ऑफ क्रोडोनिल्डिहाइड। जी सर। सर, तो क्रोडोनिल्डिहाइड तो सब क्या लिखा, कॉमन नेम लिखा है। जी सर। तो कॉमन नेम पहले हमें तो इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तभी आईपीसी नेम है। तो 4 कार्बन और डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, उसको कहते हैं क्या? प्रोटॉन। तो बिल्कुल सही, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। जी सर, ये बात हुई, ये हो गया क्रोडोनिल्डिहाइड। क्रोडोनिल्डिहाइड सर, इसकी नंबरिंग करिए, मेन फंक्शन ग्रुप को फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। बिल्कुल सही, ठीक है? फिर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सेकंड नंबर पे अपने पास क्या है? डबल बॉन्ड है इन, और एल्डिहाइड के लिए अपन क्या यूज कर देते हैं? एल। ये अपना क्या हो गया? ब्यूट इन अल, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना आंसर कौन सा आ गया? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, एमाइड है जब CONH2 ग्रुप मोर देन 2 टाइम्स हो, डायरेक्ट चेन की बात कर रहे हैं, या रिंग से सीधे अटैच है, तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या लगाते हैं? कार्बोक्सामाइड। वही ये क्वेश्चन है, क्यों सर? जी सर। तो N पे क्या लगा है? 2CH3। जी सर। तो NN डाइमेथिल मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड, कौन सा ऑप्शन हुआ? ये सर, थर्ड ऑप्शन हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे आपके कई क्वेश्चन आते हैं, क्यों सर? ये पीएमटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचओ आता है, सीएचसीएचओ आता है, CH2CHO आता है, पीएमटी में आ भी चुका है। यहाँ CHO की जगह पे हम COH कर सकते हैं, CONH2 कर सकते हैं, एस्टर कर सकते हैं, COCl, इन सब के लिए स्पेशल सफिक्स, CHO के लिए कार्बोनिल्डिहाइड, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड, ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बिल्कुल सही सर, इसकी नंबरिंग करिए। जी सर, मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? एसिड हैलाइड है ये। बिल्कुल। तो काउंटिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? मेन फंक्शन ग्रुप से, 1, 2, 3, 4, 5। ये अपने पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल, मिथाइल कौन से नंबर पे है? सेकंड और थर्ड नंबर पे, 2 टाइम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम आता है, तो उसके लिए अपन डाई ट्राई का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2, 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ओइल क्लोराइड, और ओइल क्लोराइड लगा देंगे। सर ने गौर किया आप लोगों ने, कि सर ने कहा कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ 1 क्लोरो ऑक्सो लिखने लगते हैं, तो ध्यान रखना COCl नंबरिंग है, इसके लिए पूरी सफिक्स, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। जी सर। सर, जी सर।
तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना आंसर इसमें क्या गया था? ये सर 2,3 डायमिथिल पेंटेनोइक क्लोराइड। ये वीडियो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आप लोग ध्यान रखिए जेई मेन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों सर ये? जी सर, क्योंकि एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन फिर आया। फिर एल्डिहाइड, हाँ दो एल्डिहाइड है सर। नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से कि उस साइड से? सर उस साइड से करेंगे कि मेन फंक्शन ग्रुप अगर सेम है ठीक है, तो उसके बाद में अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ठीक है ये देखते हैं, यानी कि मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद में अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है, फिर अपन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करते हैं। हाँ, तो सर के कहने का मतलब ये है कि नंबरिंग आप इधर से करोगे। क्यों सर? जी सर, 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा नाम? 5 कार्बन के लिए अपन पेंट, सेकेंड नंबर पे इन, बिल्कुल, और 1, 5 डाई, तो पेंट 2 इन 1, 5 डाई ठीक है। जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही शानदार डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहो, शॉर्ट फॉर्म में डीयू, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कहो, आईएचडी, सब एक ही चीज है। तो डीवी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है सर। जी सर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 × नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जी सर, तो बेंजीन तो है तो इसके लिए 5 बॉन्ड हो गए सर, 3 हो गए जी सर, और एक रिंग हो गए, तो इसका डीयू या डीवी कहो क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया सर, बिल्कुल सही। यहां 3 पाई बॉन्ड है सर, 1 रिंग, 1 रिंग है, यहां 4 आ गया, 3 पाई बॉन्ड है, 1 रिंग है, यहां 4 आ गया, क्या गया 4, 3 पाई बॉन्ड है सर, यहां भी 3 पाई बॉन्ड, 1 रिंग, यहां भी क्या हो गया 4 आ गया। तो आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट पे बात फिर करते हैं, 7 नंबर होमोलोगस। जी सर, होमोलोगस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी सर, होमोलोगस का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए ठीक है। तो अगर अपने इसकी बात करें तो ये देखिए, ये तो फिनोल है, डायरेक्ट रिंग से अटैच है, इसका मतलब ये क्या है? फिनोल। और इसकी बात करें तो ये क्या है? अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या नहीं हो सकते? होमोलोगस नहीं हो सकते। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ, यहाँ पे जो सर ने राउंड किया है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि CH2 का डिफरेंस है तो वो होमोलोगस होगा। जी सर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है ना, क्यों? क्योंकि सर की एक कंडीशन थी कि फंक्शन ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। तो ये अल्कोहल, ये फिनोल, ये होमोलोगस नहीं हो सकते। इसको बताएं सर, ये देखिए सर, ये फिनोल है और ये भी फिनोल है, अब इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी, इसका मतलब ये दोनों क्या है? होमोलोगस हैं। आगे ईन आयन है, नहीं होगा, मतलब नहीं हो सकता। ऑल एल्डिहाइड और अल्कोहल है, ये नहीं हो सकते, इसलिए आंसर सेकंड। एक और 1 degree, 2 degree, 3 degree amine भी क्या है? Different function. Different है। ये भी CH2 का difference होने पर homologous नहीं हो सकती। एक में NH2, एक में NH है, तो ये homologous नहीं है। ठीक है बेटा, आएगा अगर आगे क्वेश्चन तो उस पर और बात करेंगे अपने। फिर एक आगे क्वेश्चन, IUPAC name cinnamaldehyde। Cinnamaldehyde। Common name की एक बात सुनिए। C6 ये है आपको। C6 H5 CH। अब इसमें तो एल्डिहाइड पूछ रखा है, हमें एसिड कहता है तो यहाँ क्या लगाते सर? CH2 लगाते हैं। एमाइड कहता है तो CONH2 लगाते हैं। यहाँ तो अपने को CHO दे रखा है। जी सर, नंबरिंग हम करेंगे फंक्शन ग्रुप की, रिंग से, चेन से रिंग में नहीं जाना है। 1, 2, 3 क्यों सर? जी सर, अब बताइए थर्ड नंबर पे क्या आ गया अपने? फिनाइल। और टोटल कार्बन 3 है, सेकंड नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या यूज कर देंगे? प्रोप 2 इन और एल्डिहाइड के लिए एल, अल वन लिखो चाहे ना लिखो, ना लिखो, तो नाम क्या हो गया? 3 इनमें से कोई नहीं नजर आ रहा सर, तो इसका मतलब अपना फोर्थ आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, नाम इसका क्या होगा? 3 फिनाइल, 2 इन 1 एल, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर। जी सर, सर इसकी नंबरिंग जरा करिए। बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये अपने क्या है? मेन चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे, तो किसमें है? इस साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, और इसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो अपने मेन चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। फिर अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये तो अपने पास क्या है? इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, और ये क्या है? मिथाइल, और ये अपने पास क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो अल्फाबेटिक में जो पहले आएगा वही से स्टार्ट करेंगे। साइक्लो का नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 क्यों सर? जी सर, अब 1 पे क्या लगा है? साइक्लो प्रोपाइल,
क्योंकि आइसोनियो साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, लेते हैं तो वन साइक्लो प्रोफाइल, टू थ्री फोर ट्राई इथाइल, फाइव मिथाइल साइक्लो पेंटेन, पेंटेन जी सर, ठीक है, सही है। मतलब शुरुआत से ध्यान रखो, अगर जो दो रिंग है, एक रिंग छोटी है एक रिंग बड़ी है, बड़ी ये है। हो गई मेन चेन और ये हो गई सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख देंगे अपन, मेन चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया सर। जी सर, नीट में हमने देखा और जेई मेन में दोनों का इसमें कंबाइन करके क्वेश्चन लिखा गया है। अगर सिंपल कार्बन है, एक तरफ Br है एक तरफ Cl है, तो नंबरिंग कहां से करते हैं सर? अल्फाबेटिक से, अल्फाबेटिक से। अगर जो C डबल बॉन्ड से, ये भी आ चुका है नीट में, CH2Br है, फिर अपन डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइन, अगर सिंपल ClBr होता तो हम नंबरिंग कहां से करते? Br से, Br से। लेकिन आज क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड है और Br है, तो नंबरिंग Cl से होगी, डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिलेगा, 2 3 4 5 6 3 ब्रोमो 1 साइक्लोहेक्सीन। नेम बेटा वैसे ही लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर से, ऐसे नहीं है कि थर्ड नंबर पे आ रहा है Br तो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, समझ के बात आगे। तो क्यों सर, ये नाम सही है? जी सर, तो ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है पाइरूवेल्डिहाइड, फिर यहां पे एक पाइरू का कांसेप्ट सुनी, CH3C डबल बॉन्ड O है। अब यहां हम CHO लिख देते तो एल्डिहाइड, CH लिख देते तो एसिड, CONH2 एमाइड, तो यहां पे CHO है, इसकी नंबरिंग करो सर आप। मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं, तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, तो सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर क्या दे देंगे इसको, ठीक है। अब ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके लिए अपन ऑक्सो या फिर कीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब आप ऑक्सो लगाना चाहते हो तो ऑक्सो लगा लो, कीटो लगाना चाहते हो तो कीटो लगा लो। अब सेकंड नंबर पे अपन क्या यूज करेंगे? ऑक्सो, और थ्री कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लास्ट में एल लगा देंगे, टू ऑक्सो। तो यहाँ पर वो नेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? गलत हो गया, करेक्ट हो गया सर। इसका नाम क्या होगा? अब इसका नेम होगा टू ऑक्सो, और थ्री कार्बन के लिए अपन प्रोप यूज करेंगे, और वन नंबर पे सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लास्ट में एल लगा देंगे, ऑक्सो प्रोपेनॉल, या टू कीटो भी लगा सकते हो, ठीक है, कीटो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑक्सैलिक एसिड, आपको देखो नाम के आपको बताया गया होगा, ओम्स गैप याद है, दो सीओ जी में जीरो कार्बन, ठीक है, ओम्स गैप, दो सीओ जी में जीरो कार्बन, दो सी एक कार्बन, दो तीन चार और पांच पिमेलिक एसिड, जी सर, इसमें तीन चार पांच छह और सेवन कार्बन होंगे, बिल्कुल कंबाइन। ये अपना ऑक्सैलिक एसिड है, तो दो सीओ में जीरो कार्बन, ये सक्सेनिक एसिड है, ग्लूटेरिक एसिड है, एडीपिक एसिड है, पिमेलिक एसिड है। अब यहाँ तो हम लोगों से पूछा है क्या? ऑक्सैलिक एसिड, COOH, COOH, नंबरिंग 1 2, क्या हो जाएगा? 1 2 डायोइक एसिड, ठीक है, तो सर ये आंसर सही है? जी सर, तो इसमें कंबाइंड आंसर क्या होगा टोटल? फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड अपना फोर्थ आंसर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। रवि सर एक बात सुनिए, ऑर्थो टोलुइडीन, कई बार बच्चों को इन स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है, जी सर, और चूंकि इन स्ट्रक्चर कहां से है? एनसीईआरटी से, जी सर, और जेईई मेन में भी लास्ट ईयर ऑर्थोटोलुइडीन का जिक्र किया गया था, कार्बिलिमिन टेस्ट करके उसने दिया था, और ये ऑर्थोटोलुइडीन, जी सर, पहले रणवीर सर ऑर्थोटोलुइडीन का स्ट्रक्चर, जी सर, सबसे पहले तो अपन टोलुइन की बात करेंगे, टोलुइन किसको बोलते हैं अपन? बेंजीन, बेंजीन के साथ में अगर CH3 लगा दें तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टोलुइन। अब बात आ गई टोलुइडीन की, डीन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? NH2 के लिए, यानी कि एनिलीन और टोलुइडीन दोनों का ये मिक्सचर है, हाँ, लेकिन यहाँ सर ऑर्थो कह रहा है, ठीक है, तो ये अपने क्या लगा दें? अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि यहाँ से NH2, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑर्थो भी हो गया, मेटा भी हो गया और पैरा भी हो गया। अब अपने किसकी बात कर रहा है? ऑर्थो पे, तो अपन क्या लगा देते हैं? डायरेक्ट ऑर्थो के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि ऑर्थो कौन सी पोजीशन हो गई? कोई भी ग्रुप लगा हुआ है उसकी सेकंड नंबर वाली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो, ये बेटा और ये पैरा, तो यहाँ पे ऑर्थो पे अपन क्या लगा देते हैं? NH2, जी, एक ऑर्थोटोलुइडीन का इन्होंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक। अब सर नंबरिंग, इसकी नंबरिंग, मेन फंक्शन ग्रुप अपना कौन सा है? NH2, तो इसको वन नंबर, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब सेकंड नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, तो इसके लिए क्या यूज करें? टू मिथाइल, और इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? एनिलीन। तो आंसर इसका क्या हो गया? टू मिथाइल एनिलीन। अगर सर पैराटोलुइडीन होता तो हम NH2 यहां लगा देते, जी सर, यही बात, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए शानदार क्वेश्चन, एलाइल वाइनिल एसिटिलीन। अब ये कॉमन नेम्स है जो परिपाटी आजकल चल रही है नीट की, उसी के बियॉन्ड हम लोग काम कर रहे हैं, कॉमन नेम के क्वेश्चन वो दे रहे हैं। तो सर एलाइल ये होता है CH2 CH2, ठीक है जी सर। और एसिटिलीन के लिए हमने लिख दिया है ट्रिपल बॉन्ड और CH2 CH2 जी सर। अब कार्बन कितने क्या पूछा है? इसमें पूछा है सर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कार्बन हो गए बिल्कुल। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी गई है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 इनटू नंबर ऑफ फोर बॉन्ड, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर अपना कौन सा है सर? 4 जी सर, फर्स्ट, ठीक है। ये ग्रुप बेटा जी क्या होता है? विनाइल ग्रुप है। और ये ग्रुप अपना कौन सा है? एलाइल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सर, इसमें फंक्शनल ग्रुप है जी सर, थोड़ा फंक्शनल, हाँ क्वेश्चन को थोड़ा जी सर, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की अगर अपन बात करें तो मेन फंक्शनल ग्रुप अपने पास कौन कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसी ऑर्डर में अपने को क्या करने पड़ते हैं? याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कौन सा है? एस्टर। उसके बाद में एसिड हैलाइड, और उसके बाद में बात करें तो एसिड एमाइड, उसके बाद में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लिख दिए गए। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन भी अलग फंक्शनल ग्रुप, हाँ, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे तो एक तो ये हो गया जी सर, एक ये साइनाइड हो गया, एक ये सी डबल एच और एक ओएच हो गया। तो इसमें तो चार दिख रहे हैं, फोर फंक्शनल ग्रुप हो गया जी सर। लेकिन अगर बात अगर कुछ ऐसे करते, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो ये है आपका, जी सर ठीक है। अब इसमें सर कितने फंक्शनल ग्रुप हो? ये देखिए सर, ये NH2 क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये 1 डिग्री एमीन है, और ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। तो ये डिफरेंट हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? FGI, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो क्या है? एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये एस्टर नहीं है, ये क्या है? ईथर। और ये अपना क्या है? कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो आपको पूरा देखना है, आपको ध्यान से कि क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप पूछे भी जा रहे हैं आजकल जी सर। तो आगे चलें सर, जी सर नेक्स्ट, ठीक। एक बार जेई मेन में एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है सर कि टेट्रामेथिल मीथेन का आईयूपीएसी ने, जी सर, उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया जी सर, तो CH3 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 CH3। थोड़ा सा बच्चों को इसके कॉमन नेम के बारे में सर बताओ। नियो, जी सर, नियो कब यूज करेंगे अपन? टोटल यानी कि टर्मिनल एंड से सेकंड नंबर कार्बन पर 2CH3 है, और कार्बन कैसा है? 4 डिग्री। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? नियो यूज करेंगे। सर के कहने का मतलब यह है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2CH3 ग्रुप लगे हैं तो नियो का यूज करना है, तो नियो पेंट है। और एक डिराइव नेम अगर जो कहा जाए तो ये तो हो गया पेरेंट जी सर, और उसके इर्द गिर्द है 4CH3, तो टेट्रामेथिल मीथेन, ये हो गया आपका डिराइव कॉमन नेम जी सर। अब अपने इसको आईयूपीएसी नेम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए सर, 1 2 3 ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या यूज कर देंगे? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी सर। आया भी क्वेश्चन है ये, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक इसमें कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको बताएं, अभी हम लोगों ने कहा कि फंक्शन, जैसे मान लो ये है बेटा, ये है जी सर, इसमें नंबरिंग हम करेंगे इसकी जी सर, ठीक है। ये होता तो नंबरिंग हम करते, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, सेम हो जाए तो रिंग की कर लेते हैं जी सर। क्यों? अगर जो ये है सिंपल, यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो जी सर, अब यहां दो ही कार्बन है लेकिन नंबरिंग किसकी करेंगे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की। वही क्वेश्चन है सर ये जी सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो अपनी क्या हो गई? मेन चेन हो गई। तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड नंबर इसको, बिल्कुल सही। ये अपना क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो पेंटाइल, और ये हमारा मेन हो गया, और लास्ट में YN लगा, ठीक है, साइक्लो पेंटाइल इथाइन जी सर। कौन सा आंसर आ गया अपना? फर्स्ट। हाँ बेटा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच एल्केन वुड हैव ओनली प्राइमरी एंड टर्शियरी कार्बन, अगर ठीक है ना जी सर, क्यों सर? अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री होगा, 2 से है तो 2 डिग्री,
थ्री से है तो 3 डिग्री, 4 से है तो 4 डिग्री कार्बन। तो हम चेक कर लेते हैं पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन रखा है अपने को, पेंटेन है। इसमें तो क्या है 1 डिग्री है जी सर, और ये क्या है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री ठीक है ना। तो 1 और 2 डिग्री है, इसका मतलब अपने से क्या पूछा जा रहा था, प्राइमरी एंड टर्शियरी। तो इसको देख लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन जी सर, ये तो हो गया आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री ये हो गया, 3 डिग्री, 3 डिग्री ये हो गया, 2 डिग्री इसका मतलब इसमें तीनों परसेंट है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी कि नियोपेंटेन दे रखा है बेटा जी, ठीक है। तो इसमें तो क्या है ये 1 डिग्री है, क्यों सर जी सर 1 डिग्री, और ये 4 डिग्री कार्बन है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 2-3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 पे भी मिथाइल है और थर्ड पे भी क्या है, बिल्कुल ये अपने लगा आंसर, ये अपना 1 डिग्री है, ये अपना 3 डिग्री है, 3 डिग्री है और 1 डिग्री है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ये आंसर हो गया ठीक है, इसमें 1 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता है केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है, तो कौन सा होता सर, थर्ड आंसर नियोपेंटेन आंसर आ जाता। तो ऐसे हाइड्रोजन भी पूछ सकता है, और 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होता नहीं होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, सर इसको एक्सप्लेन कीजिए जी सर। अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है आईयूपीएसी नेम, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे। फोर कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओन सेकंड और थर्ड नंबर पे आ रहा है तो डाई ओन यूज कर देंगे। तो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो गया, ब्यूटेन 2-3 डाई ओन, तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं इसका सिंपल नेम। ठीक सही, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात जी सर, नंबरिंग इसी करिए। हाँ तो अपने नंबरिंग सबसे पहले क्या देखते हैं, अपने बात की थी पीछे सवालों में क्या देखा था, मेन फंक्शन ग्रुप से कहानी स्टार्ट करते हैं, फिर अपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो यहाँ से अपन लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, मतलब सर के कहने का मतलब है लंबी चेन डिसाइड करो, डबल बॉन्ड जहाँ से नजदीक है वहाँ से नंबरिंग, वहीं से अपन नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देख लो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या है, इथाइल है, इथाइल है, और फाइव नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो 4-5-डाइइथाइल का नेम हो जाएगा 4-5-डाइइथाइल ठीक है। और टोटल कार्बन कितने अपने पास, 8 है, तो क्या यूज करेंगे ओक्ट, और मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वर्ड रूट के साथ में अपन ए यूज करते हैं, तो क्या नेम हो जाएगा ओक्टा, और 1-4-6 ट्राइइन इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो गया सर 4-5, यानी कि अपना ये वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते ठीक है जी सर, इसकी नंबरिंग आप मेन फंक्शन ग्रुप जैसा सर ने कहा, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, COS से, क्यों सर, CWH इसको करिए, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है CWH, तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड नंबर इसको, थर्ड 4-5-6। अब ये देखिए सेकंड नंबर पे अपने पास क्या है, OR के लिए अपन एल्कोक्सी यूज करते हैं, तो एलक किसको प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, बिल्कुल, अब इसमें कितने कार्बन है, CH3 है, तो यहां क्या हो गया मेथॉक्सी, यानी कि मेथॉक्सी, तो 2-methoxy बेंजोइक एसिड, या इसका नाम एक और हो सकता है, हाँ जी, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर रिंग से COS डायरेक्ट अटैच है, रिंग से डायरेक्ट अटैच का मतलब सर के कहने का मतलब है ऐसे हो, क्यों सर, जी सर, या फिर ऐसे भी हो, एलिफेटिक से हो, साइक्लिक कंपाउंड से हो, तो हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, इसका तो दो नाम हो सकता है, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिंपल 2-methoxy बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीन बेंजोइक एसिड, तो अपना क्या हो गया फर्स्ट आंसर, ठीक है जी सर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर, इसकी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग समझाइए सर। हाँ अगर अपने ओनली ऑन 1 ग्रुप अटैच है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर तो कोई लोचा ही नहीं होता। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाए तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाए तो अपन नंबरिंग कहां से करेंगे, मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेस नंबर मिलेगा, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर अपन यहां सीएल के अल्फाबेटिक से ऑर्डर देखेंगे तो अपने को इधर जाना पड़ेगा, तो अपने को ये नंबर क्या मिलेगा 5 नंबर पे आएगा, तो अपन नंबरिंग वहां से करेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिल जाए लेस नंबर, मतलब लोएस्ट लोकेंट की बात कर जी सर, ये लोएस्ट लोकेंट रूल आप समझ रहे होंगे,
वही सर ने किया है। आगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से नेम लिखेंगे। ये अपने पास क्या है, क्लोरो, ये अपने पास मिथाइल है और इसका नेम क्या होता है, मेथॉक्सी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से सेट कर दो, टू नंबर पे क्या आ जाएगा, क्लोरो, वन नंबर पे क्या है, मेथॉक्सी, और फोर नंबर पे मिथाइल बेंजीन लास्ट में लगा देंगे। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी सर, इसके भी सीधे सीओएस है, जैसा सर ने बताया भी कई बार, नंबरिंग कहां से कर देंगे, वन मेन फंक्शन ग्रुप से, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जी सर। सर इसका नाम थ्री पे क्या है, एमिनो, NH2, जहां से आप, हाँ एक बात सुनो बेटा, जहां से आपने शुरुआत की है, जहां से नंबरिंग की, उसका तो क्या लिखेंगे, सफिक्स जी सर, मैं सही हूँ सर जी सर, और जितने हैं उसका क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रीफिक्स यूज, प्रीफिक्स यूज करना है। तो सर इसका नाम क्या होगा, अब थर्ड नंबर पे क्या है अपने पास, एमिनो, ऑन वन ही है तो इसका मतलब एमिनो, तो क्या यूज कर देंगे, टोटल नंबर कार्बन कितने, सेवन के लिए है, फाइव नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ईन, और लास्ट में ओई कैसे, ओई कैसे, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया, जी सर ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को, आपके कितने ऐसे लगा हो, देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच एन एच टू सी एच टू सी ओ एच, ऐसा कोई ग्रुप है, वन टू थ्री फोर फाइव, इनके तो यूज करने हैं, क्यों सर, प्रीफिक्स सर, प्रीफिक्स, और इसका क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है, तो थ्री पे एमिनो, फोर पे हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल रख के लास्ट में आप लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट अपने को सवाल दे रखा है, अब इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप, इसमें क्वेश्चन, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें पूछा ये नहीं कि असत्य कथा, इनकरेक्ट, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन, कई बार बच्चा जल्दीबाजी में करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ता है, करेक्ट इनकरेक्ट कर देता है, तो अब सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, हाँ इनकरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट की ऑप्शन की बात करें तो इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, कीटोन, तो नंबरिंग अपन कीटोन को लेस नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम आ जाएगा, तो लिख दो। थर्ड नंबर पे क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, थर्ड नंबर पे थ्री मिथाइल नंबरिंग कहां से करोगे बेटा, जो कई बार अपने चर्चा कर रहे हैं वही चीज फिर आ गई जी सर। इनका तो क्या लिखना है अपने को सर, सर इसका प्रीफिक्स लिखना है और इसका सफिक्स, सफिक्स लिखना है, तो थ्री पे क्या है, थ्री नंबर पे मिथाइल है, इसके लिए अपन कीटो या फिर ऑक्सो यूज कर सकते हैं, तो थ्री मिथाइल टू ऑक्सो जी सर, ब्यूटेन नोइक एसिड, ओइक एसिड आएगा सर, लेकिन यहाँ क्या कार्बोक्सिलिक आ गया, मतलब ठीक है सर, ये अपना आंसर, आंसर हो गया थ्री मिथाइल टू ऑक्सो ब्यूटेन नोइक एसिड जी सर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा चर्चा का है, इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या खासियत है कि ये पीएमटी में कई बार आया है, तीन या चार बार, क्यों सर, जी सर इसमें कई बार तो क्या होता है, आईयूपीएसी नेम, कई बार नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कई बार, अभी दो साल पहले रिसेंटली आया था, बसरते उसमें नीट ने नाम गलत लिख रखा था उसका, लेकिन अपने को उसका आंसर, देखो बेटा इसमें सीधा काम, अगर दोनों तरफ से आप नंबरिंग करो, एक और इधर से डबल बॉन्ड को एक नंबर मिले, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर मिले, तो सर किसको प्राइड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को, अदरवाइज जो नजदीक है या जिसको कम नंबर मिले, कम नंबर उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ सीधे डबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्यों सर, जी सर नाम क्या होगा इसका, इसका नेम सिक्स कार्बन के लिए अब हेक्स यूज करेंगे, और फर्स्ट नंबर पे इन आ रहा है और फाइव नंबर पे आइन आ रहा है, मतलब सर ये कहने का मतलब है हेक्स वन इन फाइव आइन, एक और गौर करने वाली बात सर, देखो आप यहाँ पे इन ऐसे होता है, लेकिन ये ई डिलीट हो गया, हाँ जी सर, ऐसा इसलिए हो बेटा कि सेकंड सफिक्स ए ई आई ओ यू और वाई से शुरू हो, तो आगे का लास्ट लेटर हम हटा देते हैं, इन चीजों को इंग्लिश में मान लीजिए कि अगर यही एक ऑप्शन वन ई और एक ई एन ई होता है तब मामला और फंस जाता, इसलिए आपको इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, हाँ सर, लगे हाथ एक और बात बता देते हैं, अगर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आ गया कि अगर सेम नंबर मिल रहा था तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब जो नजदीक से है वही, उधर से, और मान लो अगर कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है और उनके अलावा भी कोई बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो काउंटिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, जो बीच वाला है उसको लेस नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन जी सर। नेक्स्ट वन, ठीक है ये वही चीज है जी सर, एक छोटी सी बात, मान लो
बेटा ये है आपका COHNCSC, सिंपल सर। जी सर, तो N से जो अटैच है वो लिखेंगे जी सर, और ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो कार्बोक्सामाइड इसमें स्पेशल सफिक्स यूज करेगा, मतलब N मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। इस क्वेश्चन पर सर प्रकाश डालो आप। जी सर, ये तो अपना क्या हो गया मेन फंक्शन ग्रुप। अब ये नाइट्रोजन से अटैच है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, N मिथाइल यूज करेंगे, बिल्कुल सही। और ये अपना क्या हो गई मेन चेन हो गई, यानी कि अपन काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे N मिथाइल तो पहले लिख देंगे, फिर सेकंड नंबर पे क्या है मिथाइल, तो इनका नेम अलग अलग लिखेंगे। अब ऐसे नहीं करना N2 डाइमिथाइल लगा दिया, नहीं, इनका नेम अलग अलग लिखेंगे N नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे भी मिथाइल। अब साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है क्लियर जी सर। नेक्स्ट अपना आंसर कौन सा हो गया सर, इसमें N मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। जी सर, ठीक है चले आगे। जी सर, इस क्वेश्चन को भी सर जी सर बहुत बढ़िया सवाल है सर। इसमें देखो दोनों के दोनों मेन फंक्शन ग्रुप हैं, एक तो क्या है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो तो अपनी क्या हो जाएगी मेन चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है वो अपना क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 6 कार्बन है और इसमें 4 ही कार्बन है, तो मेन चेन अपनी कौन सी होगी ये वाली। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप से, तो 1 2 3 6 नंबर आ जाएगा। यहां से अपन दोबारा से नंबरिंग करेंगे और ये ब्रैकेट में लिखना है। जी सर, यहाँ 1 2 3 4 अपन ये किसके लिए यूज करेंगे, अब प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी कि कीटोनिक जब प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो कीटो या फिर ऑक्सो यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है सर, सेकंड नंबर पे अपने आ रहा है थर्ड नंबर पे ऑक्सो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ये किसी के साथ अटैच है यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो लास्ट में बायो ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन ओन आ जाएगा, वन ओन या हेक्सेनोन, मतलब इसका आंसर 4 अपना 4th हो गया, ठीक है डियर। जी सर, नेक्स्ट। जी सर, इसको बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये फिर वही कहानी COH वाली, मेन फंक्शन ग्रुप, वन फंक्शन, ये सर मेन फंक्शन ग्रुप है इसके लिए। अब ये क्या है, इसको नंबर नहीं मिल सकता, तो अपन क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 6 आ जाएगा, यानी कि ये अपना क्या है एल्डिहाइड और ये अपना क्या है कीटोनिन, तो ये दोनों मतलब का दोनों का अपने को प्रीफिक्स प्रीफिक्स यूज करना है, इसका सफिक्स कितना, यही कहानी। तो अपन क्या यूज करेंगे फॉर्माइल, और इसके लिए क्या यूज करेंगे ऑक्सो, ऑक्सो या फिर कीटो यूज करो, तो 4 फॉर्माइल 2 पे ऑक्सो और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल मतलब आंसर अपना आ रहा है सेकंड। जी सर, ठीक, फॉर्माइल को अगर अपन क्या कर लेते हैं, यानी कि एल्डिहाइड मेन चेन में आ जाए, मान लो कुछ ऐसा है अपने पास, यहाँ पे क्या दे रखा है COOH दे रखा है और यहाँ पे अपने को क्या दे दिया एल्डिहाइड, तो इसको मेन चेन में सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए अब अपन क्या यूज करेंगे ऑक्सो। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीटोन के लिए भी ऑक्सो लिखे या फिर एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो लिखे। बहुत सही याद दिलाए, COH जी सर और यहाँ COH जी सर, ठीक है जी सर, और हमने इसकी नंबरिंग की 1 1। अब इसका नाम लिख सकते हैं 1-formyl मेथनोइक एसिड। जी सर, एक बात जी सर, और इसी को हमने इसमें ले लिया नंबर में। जी सर, 1 2 2 में जा रहे हैं जी में, अब मोर देन वन में आईपीसी, पहले आईपीसी एक सिंगल नाम लिखा, हाँ, तो अधिक एक से अधिक, हाँ, नाम हो सकते हैं, दोनों आंसर आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, अब इसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे, 2-ऑक्सो एथेनोइक एसिड ऐसे। जी सर, तो ये बहुत सही, बातों बातों में चीजें अच्छी निकल जाती हैं। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जी सर, शायद ये जेईई में आया क्वेश्चन एक बार। जी सर, तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रहेगी, अपने मॉड्यूल में 17 की सीरीज दे रखी है वही चीज है, यानी कि सबसे पहले किसका नंबर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर सल्फोनिक एसिड का, फिर एनहाइड्राइड का, फिर एस्टर का, फिर एसिड हैलाइड का, फिर एसिड एमाइड का, साइनाइड का, ऐसे आपको 17 याद करनी है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, अल्कोहल का, एमीन का। जी सर, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये यानी कि सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद में साइनाइड, अल्कोहल और एमीन, यानी कि अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा आपको याद रखना है, इसके प्रीफिक्स सफिक्स ये आपको ध्यान रखना है। जी सर, नेक्स्ट सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी सर, नंबरिंग कहां से करेंगे सर, मेन फंक्शन ग्रुप देखिए सर, एक तो अपने को एल्डिहाइड दे रखा है और एक क्या दे रखा है एमाइड, तो इसका मतलब मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है एमाइड, तो अपने नंबरिंग यहीं से करेंगे। अब इसको अपन नंबर देंगे सर, पीछे जैसे सवाल में आपने बात की थी, तो अब इसको ऑक्सो ऑक्सो यूज कर लेंगे, ऑक्सो या कीटो जो भी ऑप्शन होगा। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, 2 पे क्या यूज करेंगे मिथाइल और 6 नंबर पे ऑक्सो, और टोटल कितने कार्बन होंगे 6 हेक्स, और थर्ड नंबर पे ईन, और लास्ट में एमाइड यूज कर देंगे।
जी सर ओके ये अपना सीधे आपको देखो प्रायोरिटी ऑर्डर वो ध्यान रखना है, प्रीफिक्स ध्यान रखना है, जहां से नंबरिंग की उसका सफिक्स लिखना है और सबके प्रीफिक्स लिखने हैं, यही कहानी चल रही है बार बार। हाँ सर नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है सर। इसको इसका नाम है सिट्रिक एसिड सर। जी सर सिट्रिक एसिड। अब एक सिंपल बेटा ये CH2COH। जी सर CHCOH CH2COH ठीक है जी सर। इसका सर नाम क्या होता है? इसका सर जब तीनों के तीनों मेन फंक्शन ग्रुप आ जाए और वो भी स्टेट चेंज से अटैच है तो तीनों फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे, या तो तीनों को लो, आईपीसी मेंबर ने कहा या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो, किसी भी कीमत पे हम तीनों ले नहीं सकते। जी सर तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा, तीनों को छोड़ देते हैं। हाँ एक इसका ओल्ड नेम होता है कि हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जी सर इसका प्रीफिक्स लेते हैं, आज यहाँ है यहाँ पे क्या है COH। जी सर यहाँ पे अपन OH आ गया, OH तो 1 2 3 जी सर हाइड्रोक्सी। जी सर ठीक कहाँ पे है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। जी सर तो अपना आंसर क्या जाएगा सेकंड। यहाँ बेटा कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, COH है CHO हो सकता है CONH2 हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ऐसे ही हो सकता था, मान लो यहाँ पे अपने COH लगा देता, यहाँ पे COH लगा देता, यहाँ पे COH लगा देता, तो इस कंडीशन में अपन तीनों को ही छोड़ देते हैं। दिक्कत कब, एक थोड़ी सी बात यहाँ पे ये कर ले, अगर यही मान लो बेटा ऐसे हो जाए CH2COH, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करोगे, अब ये नंबरिंग में आ गया ना 1 2 3 4 5 इसका हम क्या लिखेंगे सर? इसके लिए अपन कार्बोक्सी यूज करेंगे, कार्बोक्सी मेथड, कार्बोक्सी और CH2 से क्या यूज करेंगे? मिथाइल, यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल मेथड, समझ गए? ऐसे CHO और किस लिए भी ऐसी बात भी करेंगे। जी सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्पायरो। एक छोटी सी बात हम बता दें फिर उसके बाद से सर आपको समझाएंगे। ये है जब वन दो रिंग वन फ्यूज से अटैच हो तो हम क्या यूज करेंगे? स्पायरो, स्पायरो यूज करते हैं ठीक है। जी सर और इधर कितने कार्बन है? 3 इधर 4 नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से होगी। हाँ छोटी रिंग से, अभी तो 3 4। जी सर जो ये लिखेंगे पहले छोटी वाली फिर छोटी बड़ी वाली, बाई साइक्लो में पहले बड़ी फिर छोटी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 5 फिर 8। जी सर ऑक्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया सर। और सर ने जहां कहा कि नंबरिंग छोटी वाली छोटी वाली रिंग यहां से शुरू करना है 2 3 4 5 6 7 8। जी सर जी सर अब इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। जी सर ये ऐसे ही है सर, यानी कि इसको बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बाकी बात वही थी। बाकी तो ये छोटी वाली रिंग है तो काउंटिंग अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब इधर भी जा सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, उधर जाएंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेस नंबर मिले। नजदीक पड़ गया ना उधर, बस यहाँ पे अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप भी होता ना तो अपन छोटी वाली रिंग से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे अपन COH लगा देते तो इसका मतलब क्या होता, नंबरिंग का ध्यान रखते कि COH मेन फंक्शन ग्रुप है उसको लेस नंबर मिल जाए, बाकी नंबरिंग इसके लिए यहीं से स्टार्ट होगी। अब अपने पास ये है नहीं तो इसको अपन साफ कर देते हैं, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 5 और 6 नंबर आ रहा है, इधर से ही देते हैं 5 6 7 नंबर पे आता तो अपन इसलिए कम नंबर करेंगे लेस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, यानी कि यहां से क्या है 6 नंबर पे अपने पास क्या आ रहा है मिथाइल, स्पायरो यूज करेंगे। अब इसके लिए छोटी वाली को लेस नंबर दिया है तो पहले छोटा नंबर लिखेंगे फिर बड़ा नंबर लिखेंगे, तो इसमें कितने कार्बन है 3 और इसमें कितने कार्बन है 4, तो हमारे ख्याल से आंसर 6 मिथाइल स्पायरो 3 4 ऑक्टेन हो जाएगा। जी सर ठीक। जी सर और बाई साइक्लो की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन क्या देखते हैं, बड़ी वाली रिंग को लेस नंबर देते हैं और नंबरिंग भी बड़ी, नंबरिंग भी बड़ी वाली से, और कहां से स्टार्ट करते हैं या तो यहां से या फिर यहां से, दोनों रिंग आपस में अटैच होती है वहां से। अब इसमें यहां से देखो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे तो एक ही साइड में जा सकते हैं, दूसरी साइड में जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। जी सर चलें आगे। जी सर वैसे बाई साइक्लो का स्पायरो तो बाई साइक्लो हल्का फुल्का देना शुरू किए हैं, ब्रेड रूल वगैरह में दे देते हैं नीट में, लेकिन जेई मेन में तो आ ही सकता है। जी सर आता है। नेक्स्ट सवाल सर वही कहानी फिर। जी सर नंबरिंग मेन फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग, उसका सफिक्स और जो दूसरे उनका प्रीफिक्स। जी सर नंबरिंग, अब मेन फंक्शन ग्रुप अपने को देखना है भी एल्डिहाइड है कीटोन है या फिर CN है, तो मेन फंक्शन ग्रुप अपना कौन है CN, साइनाइड मेन फंक्शन ग्रुप है ठीक है, तो इसको काउंटिंग करते हैं तो अपन नाइट्राइल यूज करते हैं और काउंटिंग नहीं करते तो सर कार्बो नाइट्राइल यूज करते हैं, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो एल्डिहाइड को अपने नंबर नहीं दिया तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे फॉर्माइल, और इसके लिए अपन कीटो या फिर ऑक्सो यूज करेंगे,
तो टू नंबर पे सर क्या आ गया? फॉर्माइल। और थ्री नंबर पे ऑक्सो, ठीक है। और टोटल फाइव कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए, और लास्ट में नाइट्राइल यूज कर देंगे। कौन सा आंसर हो गया सर? सेकंड, ठीक है। मतलब आप सफिक्स और प्रीफिक्स आपको याद रहे और वो सीरीज याद रहे तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट बात। हाँ, अब इसमें देखो बेटा, नंबर आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर। जी सर, प्रेजेंट एसटी केसेस, नॉन एसटी केसेस। सर, वन सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? वन सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब वन हो गया। वन सिंगल बॉन्ड वन सिग्मा, वन डबल बॉन्ड वन सिग्मा वन पाई, वन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा टू पाई। इसको लेकिन छोटे बच्चे इसको आप लोग खोल के आराम से, ये क्वेश्चन गलत होता है सर तो पूरी जिंदगी अफसोस रहे। जी सर, क्योंकि चार नंबर गलत, मतलब पांच नंबर झालावाड़ से एसएमएस, एसएमएस से झालावाड़ का फर्क पड़ जाता है। जी सर, तो सर इसमें सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन सिग्मा, सेवन सिग्मा। जी सर, पाई बॉन्ड वन, लोन पेयर, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास टू होते हैं, नाइट्रोजन के पास वन होता है, नाइट्रोजन पूरी फैमिली के पास वन वन वन, सेवन सिग्मा वन पाई टू लोन पेयर। नहीं सर, फोर लोन पेयर, एक इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोर लोन पेयर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यानी कि वन पाई और अपने पास क्या आ गया, वन तो पाई है, पाई हो गया, और फोर लोन पेयर है, ठीक है। यही अक्सर गलती करते हैं सर, जल्दीबाजी में ये काम गलत हो सकता है। आप सिंपल आराम से खोल लो, हर चीज देखो आराम से, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। जी सर, नेक्स्ट बात। नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है सर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात, रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रिपेयर्ड इन लैब, बिल्कुल सही। जी सर, वुलर नाम के बंदे ने बनाया था सर, लेबोरेटरी में NH2, फिर सिग्मा बॉन्ड पूछा तो N H H H C डबल ओ O और NH H H। अब इसमें कह रहा है सिग्मा बॉन्ड 12 है, 12 है सर, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 है सर। गलत बात, ठीक है, 7 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। हां, मतलब इसमें ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ये सही है, अगला ऑल एटम इज एसपी, ये भी गलत है। एसपी एसपी नहीं है सर, ये तो एसपी2 है और ये एसपी3 है, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया सर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन 4, ये भी गलत बात, 4 नहीं है सर, 1 ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी, तो हमें तो लगता है कि ये सही है, बी सी रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तो बी सी डी, बिल्कुल जी सर, ये थर्ड आंसर हो गया अपना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, फिर छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा, और लेकिन लेकिन सर ये आईटी में आया क्वेश्चन है, एसीटोन के टॉटमर में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है? जी सर, टॉटमर तो अपने आइसोमेरिज्म में डील करेंगे, जी सर, यहां सीधे सर सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे हमारे? जी सर, अब एक सिंपल सा तरीका होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लो और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड गिन लो, वो तो अपने क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, H डबल बॉन्ड C O H और H, कई बार क्या होता है सर, बच्चे क्या करते हैं कि OH वाला नहीं गिनते, बिल्कुल सही, वो तो सिग्मा बॉन्ड है बेटा जी, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो अपने पास क्या है, सिग्मा, और 1 क्या है, पाई, पाई, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, अब इसको आपको सीखना है, फिर ध्यान से सुन लो, वन सिंगल बॉन्ड वन सिग्मा, वन डबल बॉन्ड वन सिग्मा वन पाई, वन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा टू पाई, टू पाई, सिंपल। जी सर, नेक्स्ट, ये विषम चक्रीय होगी। जी सर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बहुत आसान, इसमें विषम चक्रीय समचक्रीय में दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कौन विषम चक्रीय है और एक हेट्रोसाइक्लिक एटम वाली बात पूछता है, कितने हेट्रो, जैसे इसमें तो सिंपल दिख रहा है, सिंपल यही है सर, यानी कि कार्बन 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 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, समचक्रीय है। हाँ। और मान लो कार्बन के साथ में कोई ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, रिंग में अदर कोई एटम आ जाता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, हेट्रो एटम हो गया। हाँ, तो ये जैसे क्वेश्चन है सर। जी सर, इसमें कितने आ गए, रिंग के अंदर देखना है, रिंग के अंदर देखना है, तो वन टू थ्री, बाहर का आपको नहीं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो तो बाहर है, कार्बन की है ना रिंग, तो इसका मतलब हेट्रो एटम, कई बार पूछ लेता है तो कितने हेट्रो एटम है, तो तीन हेट्रो एटम है, थ्री है, तो ये दो टाइप क्वेश्चन से बनते हैं, या नाम भी आपको दे सकते हैं, तो सर फिरॉल थायोकिन पायरोल, ये सभी बातें आपसे कर सकते हैं, तो नाम भी इसको ध्यान रखना। जी सर, नेक्स्ट चलें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, असंतृप्तता रिपोर्ट। जी सर, हम आप लोग का असंतृप्तता के बारे में कुछ बताइए, तब हम इसका फॉर्मूला लिख दें, डी यू। जी सर, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की अगर अपन बात करें तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, डी बी ई भी बोलते हैं सर, बिल्कुल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हां जी सर, इसको डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोल देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की कमी के इक्विवेलेंट होती है वो भी सर। तो अगर अपन बात करें तो इसमें सीधी डायरेक्ट अपन देख लेते हैं, डी यू क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं प्लस अपने रिंग, सर ने कहा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस टू इनटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड।
जी सर सीधे, यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड है नहीं जी सर, तीन चार पांच छह रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता जी सर, सीधे डबल बॉन्ड कितने हैं दो, टू डबल बॉन्ड है और थ्री रिंग है सर, सीधे अगली बार फाइव आंसर हो गया सर। सर इसको तीन नामों से जानते हैं जी सर, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपने कहा जी सर, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जी सर, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जी सर, और तीनों के शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं डीबी डीयू आईएचडी जी सर, ठीक तो ये भी बात हो सकती है। तो आंसर अपना क्या मिल गया फोर्थ जी सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल सर, ये टर्शियरी में, टर्शियरी में ये भी बच्चे धोखा खा जाते हैं, जब हम इधर बता भी देते हैं और टारगेट लेवल में जाते हैं तो ये बच्चे गलत करते हैं सर, अक्सर वो क्या सोच लेते हैं कि कार्बन अगर 3 डिग्री है तो उसको ही अमीन मान लेते हैं। हां क्योंकि बात उसी की ज्यादा होती है कि वन कार्बन से 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 3 से NH2 की बातें कहीं कहीं कम होती है जी सर। तो सर NH2 होता है तो 1 डिग्री है, NH है तो, NH है तो 2 डिग्री है, और N है तो नाइट्रोजन अकेला है। अब अपने डिग्री ये नाइट्रोजन की देखते हैं तो नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है वो देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे N इसी में है जी सर, 3 डिग्री। अब ये देख लो कई लोग क्या कर देते हैं इसको 3 डिग्री आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये तो कार्बन 3 डिग्री है लेकिन नाइट्रोजन तो बेचारा 1 डिग्री है, ठीक है तो अपन वो देखते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ कितने अटैच है, तो ये अपना आंसर हो गया सर। तो बेटा ध्यान रखना इन्हीं सब चीजों में जल्दीबाजी में गलत नहीं करना, आगे हम लोग कौन कार्बिलेमिन देगा, कौन सी और भी रिएक्शन देते हैं, कौन हाँ देगा कौन नहीं, तो उसमें बच्चे गुमराह होते हैं। तो इसको NH2 1 डिग्री, NH2 डिग्री, NH3 डिग्री जी सर। नेक्स्ट बात जी सर, होमोलोगस कंपाउंड है जी सर, हाँ अपने पीछे सवाल आया था उसमें एक बात, हाँ होमोलोगस मेन कंडीशन फंक्शनल ग्रुप सेम हो जी सर, और सक्सेसिव डिफरेंस CH2 का हो, ये कई बार होता है नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, बिल्कुल सही सर। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि CH2 का डिफरेंस आ जाएगा तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही स्पीसीज के लोग हो गए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया सर, सिंपल लैंग्वेज में बात करें बात हम सीधे कहें जनरल फार्मूला सेम, हाँ जी सर, सक्सेसिव डिफरेंस CH2 का, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब बातें, सॉल्युबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, यानी कि उसकी रिएक्शन। तो आंसर अपना कौन सा हो गया फर्स्ट, सेम मॉलिक्यूलर वेट, गलत बात जी सर, फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या होती है सेम, ये नहीं होती, क्या होती है डिफरेंट और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसी में है बेटा, इसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज बीपीएमपी सॉल्युबिलिटी ये जो भी चीजें ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी इसी में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी सर, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहे आपको, एलाइलिक हाइड्रोजन कहे जी सर, और अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते जी सर, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन एलाइलिक हो गया जी सर, उसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, बेंजीन के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन जी सर, और उसको अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो कहां काम है सर, एक सवाल आया था उससे पहले मैं लिखना चाहूंगा, ये जी मेंस में सवाल पूछा गया था कि अपने को ये क्या दे रखा है, बेंजाइलिक में पूछा गया था कि कितने अल्फा एच है, तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं, नाम में ही पढ़ के वो गलत कर देते हैं, तो इसमें अगर अपना अल्फा एच की बात करें तो कितने सर, 2 अल्फा एच है, कई बेंजाइल और फेनिल में बच्चे डिफरेंस होते हैं, फेनिल जब ये साइड चेन है तो फेनिल जी सर, और ये है तो CH2 ग्रुप है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब सर अगर अपन बात करें तो डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन ये वाला है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा एच हो जाएंगे, ये अल्फा है, ये भी अपने पास क्या है अल्फा है, ये भी अल्फा है सर, तो अल्फा अपने अब ये रेगुलरिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन की इर्द गिर्द और उसके अराउंड में घूम रहे हैं जी सर, दोनों लोग बातें करते हैं तो उसमें कोई नई चीज भी निकल के आती है, उसको आप धीरे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो आराम से देखो जी सर, और बहुत आगे अपने आइसोमेरिज्म, फिर उसके भी आगे आइसोमर, अगला आपका टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जी सर, क्यों सर, अपने और उसके आगे ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे, फिर जीओसी वगैरह की बात करेंगे। तो अपना ये वीडियो आराम से देखना, कोई डाउट हो तो आप मिलना जी सर, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट डियर, ठीक है, CLC हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहे, थैंक यू डियर, बेस्ट ऑफ लक।